इसे आप करेंगे और बात खत्म है, अब आपको स्पेस दिख गया। बट एक्स फाइव में तो टोटली डिफरेंट। इसके साथ साथ जो मोस्ट लाइक फीचर होता है BMWs में जेस्चर कंट्रोल का, हमें वो भी मिलता है। ये चेंज करने के लिए वॉल्यूम अप करने के लिए, डाउन करने के लिए आप इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है और भी आगे प्राइस हाइक आने वाला है, ये वाली गाड़ी अवेलेबल है, तो जिसको भी डील करनी हो वो ग्रैब जरूर करें जल्दी से जल्दी। अब ये कंफर्ट में मैं चला रहा हूँ इसे, और स्टेबिलिटी गाड़ी की ऐसी है कि 50-60 पे तो, और ये चलाने पे आपको, और ये रोड्स भी इतनी ज्यादा फ्लैट नहीं है, थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है ये रोड। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ऑटो का बटन गिवन है, मैं इसको प्रेस करूंगा और मुझे कुछ भी नहीं करना। कुछ भी नहीं करना मतलब, अरे बाप रे बाप, ऐसा फीचर ये तो मैंने पहली बार देखा है। अरे वो आने दो। Yo everyone, this is Irfan and welcome to My Country Married. आपका बहुत बहुत स्वागत है My Country Married के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम लोग हैं ऑटो बेस्ट इंपीरियो और इनके स्टॉक की दिखाएंगे दो माइंड ब्लोइंग कार। अच्छा कंपैरिजन आज हम आपको बताने वाले हैं और आपको पता लगेगा कि X5 की क्या खास बात है और मर्सिडीज की GLE की क्या खास बात है। आज नमन ही हमें बताएंगे कि भाई क्या एक्चुअली डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में और क्यों इतनी ज़्यादा डिमांड में रहती हैं ये दोनों कार, और ये कितनी रीसेंट है ये भी हमें बताएंगे। सबसे पहले रीसेंट की बात कर लेते हैं कि कितनी रीसेंट हैं ये दोनों कार। दोनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल रीसेंट जैसे आपने कहा हैं। दिस कार इज 2020, दिस कार इज 2021। हमारे पास एक ही सेगमेंट की दो गाड़ियाँ हैं, मतलब दोनों एक तरह से ऑप्शन ही है। इट्स अपॉन द रिक्वायरमेंट उनकी नीड कस्टमर्स की कि वो कौन सी गाड़ी चलाना चाहते हैं, उनकी क्या प्रेफरेंस है। तो दोनों की देख लो, बिल्कुल लेटेस्ट एंड बिल्कुल न्यू की है, ब्रांड न्यू। अब बात करते हैं सबसे पहले इंजन स्पेक्स की X5 से। अगर आपको सेल्फ ड्रिवन गाड़ी चाहिए तो ये उसके लिए बनी है। okay. मतलब अगर आपको शौक है ड्राइव करने का, BMW से ऊपर कोई चीज़ नहीं है ड्राइव करने के लिए। अगर हम क्वालिटी की बात करें या फिर अगर हम नॉर्मली बात करें, जैसे आपने भी काफी BMW चलाई है, तो ड्राइव का मतलब अगर हम थ्रॉटल करते हैं तो पंच ही अलग होता है, मतलब अनकम्पेरेबल होता है वो। एंड अगर हम बात करें फीचर्स की, इट इज फुली लोडेड विद फीचर्स। इसमें इतने फीचर्स हैं कि मतलब काउंटलेस हैं। उसके साथ साथ गाड़ी के जो इंजन स्पेक्स की अगर हम बात करें, द कार इज 3000cc इंजन कार। BMW लेजर लैम्प्स मिलते हैं अब जो हमें मिल रहे हैं, नए लैम्प्स जो आ रहे हैं ब्लू, ये बिल्कुल एल शेप के जो लैम्प्स हैं, ये न्यू शेप के लैम्प्स हमारे आ रहे हैं। तो ग्रिल काफ़ी ज़्यादा ह्यूज कर दिए पहले से, नॉर्मली जो आती थी छोटी ग्रिल आती थी जो हमारी पहले वाली शेप में आती थी, बट इसमें जो लुक कर दिए ग्रिल का बहुत अमेजिंग। अलॉय व्हील्स की तरफ अगर आप देखोगे, दीज आर स्टॉक अलॉयस, मतलब इसमें हमें कोई भी नीड नहीं है कुछ कराने की, एंड बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर्स हैं। अभी बात करें यहाँ पे साइड फुटस्टेप्स की, कंपनी से हमें स्टॉक मिलते हैं, मतलब ये इंस्टॉल्ड मिलते हैं, हमें इंस्टॉल कराने की नीड नहीं है। राइट, प्लस साइड में आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें फिन्स मिल रहे हैं। एक एक चीज़ छोटी छोटी माइनर इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं बहुत ज़्यादा गाड़ी को उसकी लुक्स को और बढ़ा रही है। मेरे को ऐसा लगता नहीं वैसे इन दोनों की हाइट में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। द डिफरेंस इज हमें X5 में एयरमैटिक सस्पेंशन मिलता है जिससे हम हाइट कंट्रोल कर सकते हैं, बट GLE में हमें एयरमैटिक सस्पेंशन नहीं मिलता। लोग पूछते हैं 360 कैमरा कैसे वर्क करता है, तो यहाँ आप देख रहे हो, आप यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट है, और एक जगह और मैं आपको दिखाता हूँ, फ्रंट में भी कैमरे की प्लेसमेंट दिखती है, तो दैट मीन्स इट हैज 360 कैमरा, राइट? जी बिल्कुल, इट इज हैविंग 360 कैमरा। पीछे से कुछ एक्सप्लेन करें। पीछे से भी अगर हम इसका देखेंगे, आप पहले सबसे पहले बैजिंग दिखाऊंगा, X Drive 30D, 30D मीन्स 3 लीटर डीजल। तो ये हुआ बूट ओपन, और मेरे को लग रहा है कि ये जो है काफी डिफरेंट तरीके से ओपन होगा इलेक्ट्रॉनिकली, वेरी नाइस, काफी ज्यादा स्पेस है। आपने नॉर्मल गाड़ियों में देखा हो कर्टेंस लगते हैं, जो हमें बूट पे कर्टेंस मिलते हैं, इसमें तो वो मैनुअली हमें ओपन करना पड़ता है, इसमें है ही नहीं। अब वो नहीं दिख रहा तो हम ला देते हैं। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ऑटो का बटन गिवन है, मैं इसको प्रेस करूंगा और मुझे कुछ भी नहीं करना। कुछ भी नहीं करना मतलब, अरे बाप रे बाप, ऐसा फीचर ये तो मैंने पहली बार देखा है। अरे वो आने दो। अच्छा ये ओके, ये पूरा प्रोसेस अपने आप ऑटोमेटिकली होएगा। वाह वाह यार, ये अच्छा, ये इधर से खुलता है और ये नमन, ये ऐसा नहीं देखा भाई, मतलब इट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। आपके अगर यहाँ बैगेजेस रखने हैं, कुछ भी करना है, ये आपको एक सपोर्ट गिवन है यहाँ पर जिससे आप इजीली बैगेज ऊपर रख के अंदर रख सकते हैं इजीली, मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट करके बताना कि आपने कभी देखा है क्या बूट में इस तरीके से कर्टन को आते हुए, मैंने तो शायद पहली बार देखा है। अब इसे बंद करते हैं, आई थिंक ये भी इलेक्ट्रॉनिक। एक और चीज़ है, अगर आपको लग रहा है कि आपके बैगेज ज़्यादा भारी हैं, आपको हाइट नीचे करके उसको रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको उसका भी ऑप्शन गिवन है। थोड़ी सी हाइट नीचे होगी जिसके लिए आपको इजी हो जाएगा बैग रखना ऊपर। ठीक, और ये देखिए, नीचे हो रही है।
राइट 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 ओके। अब आप इजीली बैग ऊपर करके अंदर बूट में रख सकते हैं, मतलब अगर आपको ज़्यादा ऊपर नहीं जी जाना, आपकी हाइट ज़्यादा नहीं है तो ये इजी है भाई। माइंड ब्लोइंग फीचर इन X5 स्पेस की तो सबसे पहले मुझे बताओ पीछे कोई कमी नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो कुशनिंग है, हेडरूम, नॉर्मली आपने देखो BMWs में लोगों की क्या थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम आती है क्या? कि सीट्स बिल्कुल खड़ी खड़ी होती हैं, जो नीचे का थाई सपोर्ट होता है वो ज्यादा नहीं होता, बट इसमें आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, मुझे तो X5 इज अ प्रोडक्ट जिसमें पूरी कंफर्टेबिलिटी के साथ आप बैठ सकते हो, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे हमें 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है जिसमें आप इजिली अपने टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो दोनों साइड ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप केबल लगा के उसको चार्ज कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा मर्सिडीज एस क्लास में 7 सीरीज में सॉफ्ट क्लोज डोर्स, हाँ जी, तो इस गाड़ी में BMW X5 में हमें सॉफ्ट क्लोज डोर्स मिलते हैं। ओके, तो ये सॉफ्ट क्लोज डोर भी है इसके अंदर, बहुत बढ़िया। हमें मिलता है सॉफ्ट क्लोज डोर्स का ऑप्शन, प्लस अभी हम सनरूफ ओपन करेंगे, इसमें मैं आपको साइड्स में दिखाऊंगा, मतलब जो हम एम्बिएंट लाइटिंग नीचे भी देखते हैं सेम हमें ऊपर दिखती है, दैट इज कॉल्ड स्काईलॉन सनरूफ, मतलब इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट लुक टू द कार, मतलब अगर आप रात को ड्राइव कर रहे हो तो इट इज अ नेक्स्ट लेवल फील। चलें फिर ड्राइव। बिल्कुल, सबसे पहले मैं शायद किलोमीटर की तरफ अगर जाऊं तो मेरे ख्याल ये 30,000 भी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं इसके, 29,943 किलोमीटर्स इट हैज डन। एंड गाड़ी जो है अगर हम बात करें स्टेयरिंग से लेके इंटीरियर एक्सटीरियर एक एक चीज नई शेप में चेंज हो गई है। आप अगर स्टेयरिंग की बात करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, स्क्रॉलर्स ऐड कर दिए जो कि आप स्टेयरिंग पे देख रहे हो, वॉल्यूम कंट्रोलर्स, लेफ्ट साइड पे हमें मिलता है क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन, स्टेयरिंग भी आपका जो मिलता है इवन वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग मिलता है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, प्लस इसका जो डिजिटल ओडोमीटर देख रहे हो आप न्यू शेप वाला, बिल्कुल जो ओडोमीटर अभी चल रहा है वो है जिसमें आपको डिजिटल पूरा व्यू मिलता है। कॉकपिट नेविगेशन इसमें एडेड है, आप देख सकते हो वहाँ पे अभी आपकी नेविगेशन भी ऑन है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर हमें नेविगेशन का ऑप्शन यहाँ भी मिलता है, दोनों साइड आप इसको कंट्रोल कर सकते हो इजीली। अब ये जो है ना एक क्रिस्टल ये जो ये दी हुई है, ये लिटरली बता रहा हूँ बहुत ही मतलब बारीकी से बनाई हुई चीज है, इतनी अच्छी गियर नॉब आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलती। गाड़ी में कुछ चीजें ऐसी दी हुई है गाड़ी में बैठने के बाद हाँ और ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है और ज्यादा मन बन जाता है कि गाड़ी में बैठना चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए। और ये तो चलाने वाली ही कार है दोस्तों, इसे इसे मतलब आप नॉर्मल, अभी तो मैं नॉर्मल मोड में हूँ, ये अभी से इतनी 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 बढ़िया ड्राइव है ना, जो चला रहा होता है ना उसी को अंदाजा होता है कि वो क्या चीज चला रहा है। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा यूजफुल फीचर भी आपको इसका बताऊंगा मैं। ओहो, तारे तो हम लाते ही नहीं है वैसे भी, वायरलेस चार्जर का। अच्छा, ये तो दोनों में ही है फीचर है, मतलब इजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, आपको बस करना ही है फोन रखना है, दैट्स इट। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, ऐसे एक एक कॉर्नर इजीली आप इसको देख सकते हो। अगर 360 कैमरा होता है ना गाड़ी के अंदर, तो मैं ना मिरर्स में देखता हूँ ना मैं कहीं नहीं देखता, मैं सिर्फ यहीं देखता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको गैप पता लगता है कि आगे क्या है, कि मज़ा ही आया था। अब ये देखो, वाह वाह, ये देखिए, अभी जैसे अगर मैं वैसे देखूँ तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी मुझे पता लग रहा है इससे कि काफ़ी ज़्यादा गैप है यहाँ पे। इसके साथ साथ जो मोस्ट लाइक फीचर होता है BMWs में जेस्चर कंट्रोल का, हमें वो भी मिलता है, ये चेंज करने के लिए वॉल्यूम वॉल्यूम अप करने के लिए डाउन करने के लिए आप इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हो। अभी हम करते हैं इसको स्पोर्ट्स पे, आप देखना इसका ओडोमीटर भी रेड हो जाता है। ठीक है, अब स्पोर्ट्स पे थोड़ा आरपीएम बढ़ा। ओहो, अब ओए इंस्टेंट पे, ओए बिल्कुल सेकंड्स, मतलब क्विक ये होने के साथ साथ एक आपको स्पोर्ट्स वाला फील भी आ जाता है, क्योंकि गाड़ी की ड्राइव ही ऐसी है। इसमें हमें मिलता है स्पोर्ट्स, कंफर्ट, इको प्रो, ये तीन हमें मोड्स मिलते हैं जो कि एक नॉर्मली हमें उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे हमें एक बेसिक आर्मरेस्ट स्पेस मिलता है जिसमें आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है, यहाँ पर हमें ऑटो होल्ड का भी ऑप्शन मिलता है जो कि BMWs में काफ़ी गाड़ियों में हमें मिलता है। यहाँ पे ना इस तरीके से डोर को डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे विंडो के कंट्रोल, लॉक अनलॉक, मेमोरी, और यहाँ पे बूट का ऑप्शन यहीं पे मिलता है अपने को। हार्मन कार्डन का ऑडियो सिस्टम, वो भी BMW में। अभी ये देखो, एक बार मैं फ्लैट रोड पे इसे स्पोर्ट्स पे लेता हूं और देखता हूं कितनी तेज भागती है, 1-2-3 को भी। ओ तेरा वाला, ओए, मुश्किल से मैंने कुछ क्या मतलब गिने चुने सेकंड होंगे और ये 60 पे ऐसे चलेगी जैसे मजाक ही हो रहा है कुछ इसके लिए है। बिल्कुल, इसके साथ साथ हमने जैसे बात करी थी एयरमैटिक सस्पेंशन की, पीछे से तो आपका जो कंट्रोल होता है वो होता है कि आप बैगेजेस इजीली रख सकें, बट यहाँ पर जो कंट्रोल होता है वो सेंटर कंसोल में, वो होता है फॉर रोड कंडीशंस। अगर आपकी रोड कंडीशंस ठीक नहीं है या कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं तो आप इजीली हाइट कंट्रोल करके उसको क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा कंट्रोलर दिया हुआ है, आप देखोगे अगर यहाँ पे एक स्विच टाइप दिया हुआ है, इसको मैं हल्का सा ऊपर करूंगा, यहाँ पर आपका ग्राउंड क्लियरेंस, तो ये चलते चलते भी हो जाएगी। एग्जैक्टली, एक मिनिमम स्पीड होती है उस पर आपको करना होता है, सब देखिए ये एक लाइन ऊपर हो गई, यहाँ पे प्रॉपर आपको शो हो रहा है कि अभी हाइट इंक्रीज हो रही है। नॉर्मली गाड़ियों में पता नहीं चलता जब तक गाड़ी इंक्रीज ना हो या ब्लिंकर ऑन होता है उनका, बट इसमें प्रॉपर स्क्रीन पे आपको दिखता है। एक मैं पॉइंट और ऊपर करूंगा, आप इसको देखिएगा, ये पॉइंट पे मूव कर रहा है, जैसे इस पे ऊपर आएगा रेड पॉइंट इस पे, इसमें भी दिखता है। एग्जैक्टली, हमें फील भी हो रहा है, हाँ, अभी रेड पॉइंट ऊपर आ गया। राइट 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 राइट,
एक नंबर फीचर हैं इस गाड़ी के अंदर। आप चलाओगे ना तो आपको फील आएगा, आप लोगों को अपने दोस्तों को बताओगे मेरी गाड़ी में ये फीचर है, उनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, इतने सारे फीचर हैं इस कार में, तो सारे यूजफुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि नई गाड़ी तकरीबन 1 CR की तो आती ही आती है, 1 करोड़ प्लस है ये कार। और ऑटो बेस्ट इंपीरियो पे क्या डिस्काउंट अपने को मिलता है, क्योंकि इट इज़ दिसंबर भैया, तो दिसंबर में ईयर एंडिंग सेल होती है एक तरह से, तो लेट्स सी कि क्या प्राइस रहता है। जो हमारी गाड़ी है दिस इज़ X5 3 लीटर डीजल इंजन कार है, एक्स ड्राइव है, एंड दिस इज DPE सिग्नेचर, एंड गाड़ी है जो दिस इज 2019 मैनुफैक्चरिंग, 20 गाड़ी रजिस्टर्ड है, गाड़ी जो चली हुई है 29,000 किलोमीटर्स, एंड गाड़ी जो है अभी अंडर वारंटी है, प्लस इट इज ऑल्सो हैविंग अ सर्विस पैकेज टिल 2025। क्या 2025? आपने बिल्कुल सही सुना, टिल 2025 और 60,000 किलोमीटर्स विच एवर कम्स अर्लियर, मतलब अगर आपके 60,000 किलोमीटर्स अगर पहले हो जाए तब तक, या फिर साल पूरे हो जाए, बिल्कुल। प्राइस क्या होगा इसका? आस्किंग गाड़ी की हम जो कर रहे हैं वो है 82,75,000 ओनली। तो 1 CR से भी कंपेयर करें तो तकरीबन 18 लाख का डिस्काउंट हो गया, बिल्कुल। तो भाई ये है इसकी डील, जो कि है नेगोशिएबल प्राइस के साथ। आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप लोग नमन को कॉन्टैक्ट करें, ऑटो बेस्ट इंपीरियो पर कॉल करें और आपको इस गाड़ी की डील बता दी जाएगी और गाड़ी दिखा भी दी जाएगी, आप शोरूम पर विजिट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसकी तरफ, ये क्या चीज है? सो दिस इज GLE 300D लेटेस्ट, बिल्कुल करंट शेप है, मतलब ये इतनी करंट है ना कि अगर आज हम मर्सिडीज के शोरूम से लेके आएंगे तो वो यही ऑफर करेंगे ना? बिल्कुल सेम गाड़ी आपको मिलेगी। दिस इज 2021 मॉडल, मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी 2021 है, इसकी रजिस्ट्रेशन भी 2021 है, एंड गाड़ी की अगर हम बात करें किलोमीटर्स की, दिस कार हैज ओनली डन 8,800 किलोमीटर्स, 8,800 गाड़ी चली है। सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी की जो आगे की लुक्स है, आप अगर इसके लैम्प्स की बात करोगे जो हमने पुरानी GLE देखी हुई, मतलब उसके कंपैरिजन में इट इज़ अ टोटली डिफरेंट कार। अगर बात आ जाती है फीचर्स की, अगर बात आ जाती है लुक्स की, तो इट इज़ अ टोटली डिफरेंट कार। लाइट्स आप देखोगे ये बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, LED हाई परफॉर्मेंस लैम्प्स होते हैं इसके। यहाँ पे अगर ग्रिल की बात करें, ग्रिल पे जो लोगो हुआ करता था वो चेंज हो चुका है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट। 4 सिलेंडर इंजन गाड़ी होती है, बट गाड़ी की ड्राइव बहुत कंफर्टेबल होती है। अगर हम बात कंपैरिजन करें ड्राइव की, अगर जैसे पंच की बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज़ अ शॉफर्स ड्रिवन कार, दैट इज़ अ ड्राइवर्स कार, तो टोटली डिफरेंट चीज़ है। ये गाड़ी है पीछे बैठने वाली, वो गाड़ी है आगे पीछे दोनों बैठने वाली, मतलब आप चला भी रहे हो, अगर आप पीछे ही बैठे हो तो आपको दोनों चीज़ों में कम्फर्ट है। अगर हम बात करें अलॉय व्हील्स की, तो ये बिल्कुल करंट शेप की जो अलॉय व्हील्स हैं वो वाले हैं, क्योंकि शेप बिल्कुल नहीं है, एंड इसमें जो आप देख रहे हो इसमें कोई नीड नहीं आपको और इंस्टॉल कराने की। 19 इंच के इसके अंदर अलॉय हैं, और पीछे से जो टेल लैम्प्स हैं वो भी अब चेंज हो चुके हैं, क्योंकि इट्स अ ब्रांड न्यू शेप। पहले जो हमें गाड़ी मिलती थी वो होती थी GLE 250, अब आती है GLE 300D, मींस डीजल। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो 4MATIC, दिस सिंबलाइजेस 4-wheel drive। यहाँ पर हमने देखा था जो कि हमें सेकेंड बूट मिल रही थी, जो कि डुअल बूट थी ओपन करने के लिए, उसके साथ साथ कर्टन इसमें हमें मैनुअल मिलता है। अब ये है जो अभी तक मैंने देखा हुआ है ना गाड़ियों में, वो यही देखा है कि भाई इस तरीके से आप करेंगे और बात खत्म है, अब आपको स्पेस दिख गया। बट X5 में तो टोटली डिफरेंट, एंड इसमें जैसे हमें एयरमेटिक सस्पेंशन नहीं मिलता, दिस इज अ डिफरेंट कार। बट यहाँ पर हम बात करें जैसे कि अगर बूट स्पेस की, तो काफी अच्छा बूट स्पेस, हमने अपने बैग भी रखे हुए हैं एग्जांपल के लिए, बॉडी कवर है गाड़ी का, ब्रांड न्यू बॉडी कवर भी है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसे बंद करके पीछे के स्पेस की, क्योंकि इसका जो इंटीरियर है वो ऐसा है कि कैमरे में कैप्चर होगा। इसके अंदर भी 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल, 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, स्पेस की कहीं कोई कमी नहीं है, हेडरूम लेग रूम कोई कमी नहीं है। यहाँ पर अगर हम डोर्स की फिनिश देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो वुडन फिनिश मिली है जिसमें स्पीकर्स इंस्टॉल्ड है। ये जो टैबलेट है ये वहां नहीं मिलेगी दादा। Exactly. जो इंटीरियर की बात करें, जिसको है इंटीरियर का शौक, या फिर जिसको है कि वही गाड़ी में बैठने की फील आनी चाहिए, और मतलब गाड़ी का जो आप ये देख रहे हो सेंटर जो पूरा कंसोल, वो वाला डिजिटल है, ये डिजिटल है, दिस इज टच स्क्रीन, आप इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हो सारा। कितनी बड़ी स्क्रीन है यार, ह्यूज, काफी बड़ी स्क्रीन। इसके साथ साथ एम्बिएंट लाइटिंग का भी हमें ऑप्शन मिलता है, जो कि हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट्स ओके, एम्बिएंट लाइटिंग कलर। अच्छा इतनी बड़ी स्क्रीन है ये, इतनी बड़ी कि अगर पीछे वाला बंदा भी अगर डिस्प्ले को देख रहा है तो उसे एक एक चीज दिख जाएगी क्लियरली। एग्जैक्टली, ये इसकी एम्बिएंट लाइटिंग आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें जो चीज सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं वो होती है एम्बिएंट लाइटिंग एंड गाड़ी का इंटीरियर। अपने स्टीयरिंग से ही आप ये वाली स्क्रीन भी एंड आपका जो ओडोमीटर वाली स्क्रीन है दोनों ही कंट्रोल कर सकते हो। राइट, जैसे आप देख सकते हैं मैं भी कंट्रोल कर रहा हूं यहां से। दिस इज नॉट हैविंग 360 डिग्री कैमरा, बट द क्लैरिटी इज सुपर अमेजिंग, 360 सेंसर्स मिलते हैं प्लस कैमरा। राइट, अब देख लीजिए सेंसर एकदम से वर्क करे, ये देख लीजिए, दीज आर ऑल आवर सेंसर। अब जब वायरलेस चार्जर आपके गाड़ी में हो
तो क्या जरूरत है आपको टेंशन लेने की, वायर कैरी करने की क्या टेंशन है आपको? दीज ऑल आर टच पैड, मतलब पहले आपने देखा होगा मैं ग्लास वाला टच पैड मिला करता था, राइट राइट और ये उससे बहुत ज्यादा यूजफुल है और कन्वीनियंट है, मतलब उसमें टच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट इसमें बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको एक फेदर टच देना, इको कंफर्ट एंड ऑफ रोड जी। अच्छा जी, यहाँ पर आपको जैसे देख रहे हो यूएसबी केबल का ऑप्शन मिल रहा है, लाइक अगर मैं थोड़ा सा जाओगे स्टाइल्स एंड डिस्प्ले पे, स्टाइल्स एंड डिस्प्ले पे मैं गया, देन अपने पास प्रोग्रेसिव, ठीक है प्रोग्रेस मतलब टोटल चेंज हो जाता है आपके, ऐसा होगा क्या? अब ये कंफर्ट में मैं चला रहा हूँ इसे, और स्टेबिलिटी गाड़ी की ऐसी है कि 50 60 पे तो, और ये चलाने पे आपको, और ये रोड्स भी इतनी ज्यादा फ्लैट नहीं है, थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है ये रोड, प्लस इट इज नॉट हैविंग एयरमैटिक सस्पेंशन, तो उससे भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वाकई वाकई, अब बात करते हैं इस गाड़ी की डील की फटाफट, नमन फटाफट। ये जो गाड़ी है दिस इज 2021, मैन्युफैक्चरिंग भी एंड रजिस्ट्रेशन भी। गाड़ी की अगर हम बात करें वारंटी की, इट इज़ अंडर वारंटी टिल 2025। सर्विस पैकेज की बात करें इट इज़ हैविंग टिल 2025। एंड गाड़ी जो है बहुत ही रीसेंट मॉडल है, मतलब रीसेंट क्या बिल्कुल करंट मॉडल है, 2021 मैन्युफैक्चरिंग है, 2021 रजिस्टर्ड है। गाड़ी जो ड्रिवन है ओनली एंड ओनली 8,000 किलोमीटर्स, 2025 तक अभी इसमें सर्विस पैकेज वैलिड है, प्लस ये अभी अंडर वारंटी भी है टिल 2025। मतलब अगर जो भी लेगा उनको बिल्कुल फ्री माइंड के साथ उनको गाड़ी चलानी है, क्योंकि उनको सारी चीज़ें कवर मिल रही है, वारंटी सर्विस एक एक चीज़, मतलब उनको बस गाड़ी चलानी है और कुछ नहीं करना। पैसे गाड़ी की जो हम आस्किंग कर रहे हैं वो है 87,75,000 ओनली, एंड गाड़ी जो है ड्रिवन इट हैज ओनली डन 8,000 किलोमीटर्स। अब ये गाड़ी वेटिंग पे भी है, देखो इतनी आसानी से आपको शोरूम पे भी नहीं मिलेगी, और आप लोग पूछ लेना इस गाड़ी की और डिटेल, और इसके अलावा भी आप ये ना सोचें कि ये दो गाड़ियां होती हैं, हमारे नए व्यूवर्स को बता रहा हूँ, जो हमारी फैमिली जैसे जैसे बढ़ती आ रही है, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को और नए लोग जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ ऑटो बेस्ट इंपीरियो प्रीमियम लग्जरी कार्स में डील करता है, और वो भी हाई एंड कार्स जो कि स्टार्ट होती हैं अप्रॉक्सीमेटली विद इन द रेंज ऑफ 20-25। एंड सिर्फ यही नए मॉडल नहीं है, मतलब अगर हम बात करें न्यू शेप्स की तो और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं न्यू शेप में भी, आपको करना ये है आपको बस कॉन्टैक्ट करना है 8885886 पर, या फिर आप चाहें तो हमारे शोरूम में विजिट कर सकते हैं जो कि है मेन रिंग रोड रजौरी गार्डन पे। अप्रॉक्सीमेटली इन्वेंट्री अभी लाइफ कितनी चल रही, 50 प्लस होगी? 50 प्लस आपको प्रीमियम कार्स के ऑप्शन मिलते हैं, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना और हमें बताना कमेंट्स में कि कैसा लगा आज का हमारा ये कंपैरिजन जो हमने आपको बताया बाय नमन। तो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए माय ग्रीन रिमाइंडर, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।